ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो कि तुम क्लब में खेलते हो, कोई भी यार एक बच्चा है क्लब में खेलना स्टार्ट करता है, तो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी कैसी होती है? सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है वो है पेशेंस। ओके, हम 50 लाख लोगों की या 1 करोड़ लोगों की, 5 करोड़ लोगों की कंट्री नहीं है, हम बहुत सारे लोगों की कंट्री है, बहुत सारे लोग हैं। ऑलमोस्ट 150 करोड़ हो गए, इतने सारे लोग हैं कि 150 करोड़ टीम बन सकती है क्रिकेट की। और उसमें से भी आप जो एम कर रहे हैं कि इंडिया की मेन टीम में जाना है जहाँ पे 16 लोग पहुँचते हैं, तो सबसे पहले तो पेशेंस होना चाहिए। और एज अ क्रिकेटर मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट करते वक्त ही आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इंडिया खेलूँगा, बहुत लोगों की गलती है, आप छोटे टारगेट सेट करो और आगे बढ़ो। तो मैंने जब स्टार्ट किया, मैं क्लब में खेलता था, अगेन एज अ रिक्रिएशन वो स्टार्ट हुआ था कि थोड़ा खेलूँगा शाम के टाइम पे। बट इफ़ यू स्टार्ट डूइंग वेल देयर, क्लब में जो प्रैक्टिस होती है उसमें अच्छा खेलते हैं, क्लब के बच्चे आपस में जब मैच खेलते हैं तो अच्छा खेलते हैं, तो आपको क्लब की टीम को रिप्रेजेंट करने को मौका मिलता है। और मैं जहाँ से आता हूँ इंदौर, फॉर्चुनेटली वहाँ पे बहुत इंटर क्लब टूर्नामेंट्स होते हैं, आपस में क्लब बहुत टूर्नामेंट्स खेलते हैं, तो उस क्लब के टूर्नामेंट्स में अगर आप अच्छा करते हैं, रन स्कोर करते हैं, विकेट्स लेते हैं, देन यू गेट कॉल्ड टू द इंदौर डिविजन टीम फॉर दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप, अंडर 15, अंडर 17, 19, 25, सीनियर। आई थिंक एक बार आप इंदौर की टीम में अगर आ जाते हैं, देन आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि प्रोफेशनल क्रिकेट क्या होता है, बिकॉज नाउ यू आर कम्पीटिंग फॉर अ स्पॉट इन द स्टेट टीम। सो इट स्टार्ट्स विद क्लब, देन इट्स इंदौर एज इन द डिविजन्स ऑफ मध्य प्रदेश, जितने भी इंदौर डिविजन, भोपाल, सागर, रीवा, ऑल दीज डिविजन्स, वहाँ के रिस्पेक्टिव टीम्स। सो इंदौर विल प्ले अदर डिविजन्स एंड यू नो इंटर डिविजनल टूर्नामेंट होता है। So if you do well there, then you are a state cricketer. You will be called in the state team. So once you become a state cricketer, you are a professional cricketer now because you get you start getting paid to play for the state. State के लिए अगर आप खेल रहे हैं तो आपको payment मिलने start होते हैं, and that is actually you will be tagged as a professional cricketer. कितने पैसे मिलते हैं state cricket? It depends. वो match fees structure BCCI decide करता है, हर juniors के लिए कम होता है, seniors के लिए ज़्यादा होता है. It तो एवरेज कितना होता है, लेट्स से अभी इंदौर का कितना होगा? इंदौर में आई मीन इंदौर डिविजनल, इंदौर के मैचेस खेलने के लिए पैसे नहीं मिलते, स्टेट के लिए आई थिंक रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए पर मैच आई थिंक आई गेट पेड अराउंड 2.5 लाख पर मैच, आई एम नॉट श्योर बट उतना उस अराउंड रहता है। हाँ, वो रणजी ट्रॉफी लेवल पे, अंडर 14 के लिए कम रहेगा, अंडर 16 के लिए उससे ज्यादा रहेगा, ऐसे विद एज थोड़ा बढ़ता रहता है। प्लस कितने मैच है साल में होते? सो रणजी ट्रॉफी जो होती है उसमें 8 लीग मैच होते हैं, ऐसे ही सिमिलरली 8 T20 और 8 वनडेयर्स, ऐसे मैचेस होते हैं और आगे बढ़ते जाते हो। अगर आप क्वार्टर फाइनल खेलते हैं, सेमीफाइनल खेलते हैं तो बहुत मैच होते हैं। सेम जूनियर फॉर्मेट और विमेंस क्रिकेट भी होता है। तो वंस यू प्ले फॉर स्टेट, इफ यू डू वेल देन यू विल बी कंसिडर्ड इन योर जोन, देयर विल बी अ जोनल टीम, सेंट्रल जोन, जितने भी स्टेट्स आते हैं उसमें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, विदर्भा, रेलवे, उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान, ये सब उसमें आ जाता है। तो जोन एंड जोन से फिर और नेशनल टीम। अब अभी IPL आ गया है, सो व्हेन यू डू वेल इन योर स्टेट सर्किट यू कैन बी पिक्ड अप इन एन ऑक्शन टू रिप्रेजेंट। वो कैसे पिकअप, वो उसकी प्रोसेस क्या होती है कि अगर आपने स्टेट में बहुत बढ़िया खेला, सो IPL के सिलेक्टर्स आते हैं डायरेक्टली? दे स्काउटिंग टीम, हर IPL फ्रेंचाइज के पास स्काउट्स होते हैं, ओके, हु गो एंड वॉच डिफरेंट प्ले, डिफरेंट टूर्नामेंट्स, कभी इंडिया में देखते हैं, कभी अगर CPL चल रहा है, कैरेबियन प्रीमियर लीग चल रहा है, वहाँ कुछ स्काउट्स चले जाएंगे, T10 चल रहा है, कोई वाइटैलिटी ब्लास्ट चल रहा है, BBL, वहाँ सब स्काउट्स भेजेंगे वो अपने, दे ऑब्जर्व टैलेंट कि अगर किसी को उन्होंने मार्क किया है तो अच्छा ये कैसे खेल रहा है, क्या ये हमारी टीम के काम आएगा, दैट्स हाउ दे गेट। तो स्काउटिंग टीम साल भर ये साल भर एक्टिव रहती है, साल भर सारे पूरा क्रिकेट देखती है। एंड द गुड थिंग इज वो सिर्फ सीनियर क्रिकेट नहीं देखते, वो जूनियर क्रिकेट भी देखते हैं, अंडर 19 से लेके अंडर 25 सब कुछ देखते हैं, वहाँ से स्काउट करते हैं प्लेयर्स को। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज राजशमानी क्लिप्स ऐसी क्लिप्स लाएगा पॉडकास्ट पे से जो शायद पॉडकास्ट पे भी नहीं होती, एक्सक्लूसिव अनकट अनफिल्टर्ड कॉन्टेंट जो आपको एक बेटर लीडर बनने में हेल्प करेगा, जो आपको इंडिया में स्मार्ट इंसान बनने की हेल्प करेगा, एंड जो आपको हेल्प करेगा कि आप आपका इन्फ्लुएंस, ग्रोथ, प्रॉफिट, बिजनेस एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को कैसे ग्रो करें। इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों में एक्सेल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।